भारत के इतिहास में पहली बार बापू की प्रेरणा से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि इंडी गठबंधन का दुस्साहस देखिए कि नवरात्र में सनातन का मजाक उड़ाते हैं। जब भी सनातन को चुनौती दी गई है, मातृशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया है। पटना में महिला जनसंवाद कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो महिलाओं की सुबह के दर्द को सोचे। वह सोचे कि महिलाओं के हर दिन की शुरुआत खुले में शौच जाने के कारण अपमान के साथ होती है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सभी घरों में शौचालय बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि जब उस दौर में गरीब भूखे तड़प रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया, यह आज भी जारी है। उन्होंने राजद पर इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रदेश ने ऐसी सरकार भी देखी है जहां अपनी बेटी के घर बसाने के लिए दूसरों के घरों को लूट लिया जाता था, बेटों के कल्याण के लिए दूसरे के बेटों के खून बहा दिए जाते थे। उन्होंने तीन तलाक और अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण की भी चर्चा की। एक तरफ वो जिन्होंने भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद के पथ पे चलते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, और दूसरी ओर वो जिन्होंने भारत के लोकतंत्र में अपहरण को उद्योग बनाया, मां भारती के तिरस्कार को अपना राजनीतिक आभूषण बनाया। उन्होंने पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को विजय बनाने की अपील करते हुए कहा कि इन्होंने प्रभु श्री राम की लड़ाई कोर्ट में लड़ी। हूँ कि पुनः राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ, 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राम लल्ला के वकील को देश की संसद में ले जाओ। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना पहुंचने के बाद पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब पहुंची। वहां उन्होंने दर्शन किया और मत्था टेका। गुरुद्वारा पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बात भी की। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। यहां से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद का मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अभिजीत से माना जा रहा है।